आईवीटीवी देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवीटीवी और मैं हूं श्रद्धा। बिहार, कहने को बिहार एक ड्राई स्टेट है, यहाँ शराब बिल्कुल भी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ शराब मिलती है। अब आप चौंक गए होंगे, हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, नीतीश कुमार चाहे लाख दावे कर ले कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराबबंदी का सच क्या है ये हम सबके सामने है। नीतीश सरकार हमेशा कहती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, लेकिन सच जो है वह कुछ और है। आपने यह वीडियो देखा, आप देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से युवक जो है वह पुलिस के साथ शराब के नशे में बदतमीजी कर रहा है। आपको बता दें, यह वीडियो जो है वह भोजपुर जिले का है, जहां एक युवक शराब के नशे में सदर अस्पताल के बाहर पुलिस के साथ ही बदतमीजी करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस को डरा रहा है, धमका रहा है, गाली दे रहा है। वो पुलिस जिसके कंधों पर जिम्मा है पूरे बिहार का, वो पुलिस जिसके कंधों पर जिम्मा है शराबबंदी को सफल बनाने का, लेकिन आज उसी पुलिस ने एक शराबी के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ नजर आ रहा है। आप यह वीडियो देखा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक शराबी के सामने दो दो पुलिसकर्मी कैसे विफल हो गए हैं, और आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो आम लोग हैं वो भी खड़े होकर देख रहे हैं कैसे शराबी पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहा है। हम आपको हर आए दिन बताते हैं कि पुलिस हर आए दिन बिहार के अन्य अन्य हिस्सों में शराबबंदी को लेकर छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ग्राउंड रियलिटी क्या है वह आपके सामने है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आईवी टीवी।